नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एस सी बी पी ओ की वैकेंसी जो 1468 पद के लिए आपकी आई थी पीईटी 2022 के संदर्भ में, या ऐसा बोलो कि यूपी ट्रिपल एस सी से 2023 की पहली वैकेंसी, उसका फॉर्म फिलिंग चालू हो गया है। इसमें कोई बहुत खुशी वाली भी बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जो इनका सिस्टम चल रहा है उसमें मुझे और आपको तो निराशा ही होगी, नो डाउट। अगर देखा जाए 1468 पद है, इन्होंने 15 गुना बोला है और इनका 15 गुना लगभग 30 गुना के बराबर होता है, तो 15 15 225 हिसाब से देखा जाए 15 3 45 लगभग 45 से 50 हज़ार बच्चे इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। लेकिन ये केवल एक छलावा मात्र है, ये आपको भी पता है, सभी को पता है होता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। जब तक एक पीईटी का कॉमन कट ऑफ नहीं लगेगा तब तक तो ऐसे ही चीज़ें गलत होती जाएंगी ही जाएंगी। ये 25-25 रुपए करके और कुछ नहीं, अपना राजकोषीय घाटा ही तो भर रहे हैं, क्योंकि भाई जो बच्चा अप्लाई किया होता है वो बच्चा सोचता है कि 25 रुपए में क्या जा रहा है, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा भी नाम आ जाए। बट हकीकत जो इसकी वास्तविकता है वो बहुत अलग है। अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि टोटल 1468 पद के लिए है ना, टोटल 1468 पद की बात किया जाए, और 1468 पद में जो टोटल सेलेक्टेड होंगे वो 45,000 से लेके 50,000 के बीच के बच्चे होंगे। 50,000 नहीं जाएगा, वो 45,000 के आसपास ही रहेंगे। इनमें से भी अगर देखा जाए तो टॉप 1% लगभग 24-25,000 बच्चे होते हैं। ऐसे अगर देखा जाए जो दूसरा परसेंटाइल होता है 45 से 50,000 बच्चे वही होते हैं। तो टॉप 2% वाले बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मतलब आप इतना समझ सकते हो कि 98 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप इसमें लिए एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं हो। मैं ऐसा नहीं कि वो निराशा आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, बट जो हकीकत है वो आपको बता रहा हूँ। हालांकि आपके परसेंटाइल कितने आपके कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा, कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हो ये भी मुझे बताइएगा, कितने बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्योंकि पीटी का एक कॉमन कट ऑफ लगना चाहिए, और मैं और आप केवल मैं वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ, आप केवल कमेंट में कर ले, तो यहाँ तक केवल सीमित नहीं रहना है, हम लोग को इससे बढ़ के एक बड़ा कहीं ना कहीं अपनी बातें आगे रखनी पड़ेंगी मेरे मित्र। और जितना जितना ज़्यादा ये चीज़ें आप आपस में शेयर कर लोगे उतने ही सारी हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर और अपनी बात आयोग के सामने रख पाए और कॉमन कट ऑफ लगवा पाए, वरना फिर ऐसे बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता रहेगा और बेरोजगारी हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।